आरपीटीवी आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की। बड़वानी जिले के निवाली पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। दो आरोपी गिरफ्तार व 12 मोटरसाइकिलें जब्त। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती यांगचेन रोलकर भुटिया बड़वानी द्वारा क्षेत्र में हो रही लगातार मोटरसाइकिल चोरियों को रोकने हेतु प्रतिदिन बिना नंबर के वाहन की चेकिंग करने के निर्देश जारी किए गए। इसी के तहत वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि सिंधवा रोड कंपनी फाटे पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल बेचने की बातें कर रहे हैं। सूचना पर महफूज पांचान के मौके पर पहुंचे, जहां दो व्यक्ति अलग अलग बिना नंबर की होंडा साइन मोटरसाइकिल पर बैठे दिखे, जिन्हें फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछते अपना नाम सुखलाल पिता हुकुम जाधव उम्र 24 वर्ष निवासी कन्नत गांव व सावन उर्फ नाना पिता रमेश आर्या उम्र 24 वर्ष निवासी कुंजरी का होना बताया, जिनसे मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन मांगे तो नहीं पाए व मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करते दोनों द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने कारण उक्त मोटरसाइकिलें चोरी के संदेह में होना पाई जाने थाने पर पृथक पृथक पूछताछ की तो मोटरसाइकिलें महाराष्ट्र के शिरपुर सांगवी से चोरी कर लाना बताने पर इस 02-19 धारा 41 102 जा फॉ व 379 भादवी में मोटरसाइकिलें जब्त कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से पूछताछ करते सुखलाल व सावन द्वारा अपने साथी सीताराम पिता भायानी कानपुरी व अजय उर्फ अर्जुन पाकवाड़ी महाराष्ट्र, आशीष पिता प्रभी पावरा सुरेश पावरा रवा निवासी गन बोराड़ी महाराष्ट्र के साथ से धव निवाली पलसूद महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें चुराई है, जिसमें सुखलाल व सावन से सिलसिले में 9 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। आरोपी सुखलाल व सावन से थाने के अपराध 28/19 धारा 379 भादवी में पूछताछ करते चोरी गई 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। आरोपियों के कब्जे से कुल 12 मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत करीब 7,50,000 रुपए की जब्त की गई है तथा इनके फरार साथी सीताराम पिता भायानी कानपुरी व अजय उर्फ अर्जुन वकवाड़ी महाराष्ट्र, आशीष पिता प्रभी पावरा सुरेश पावरा रवा निवासी गन बोराड़ी महाराष्ट्र के मिलने पर और भी मोटरसाइकिलें मिलने की संभावना होने से अग्रिम पूछताछ एवं अन्य घटनाओं में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय से पीआर प्राप्त कर पूछताछ कर पता किए जाने के प्रयास किया जाएगा। थाने में कि यहाँ पे जो इंदल का कार्यक्रम चल रहा था उसमें से उस कार्यक्रम से 4 मोटरसाइकिल चोरी गई है, ऐसा करके रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को चलते अपराध ली गई 379 में चोरी के मामले में। उसके बाद एसएस साहब के द्वारा टीम गठित की गई और उसके 2-3 दिन बाद खबर आई कि कहीं से जो है एक गिरोह है जो मोटरसाइकिल बेचने का बात करने का ऐसा करके एक मुखबिर की सूचना मिली। तो उस सूचना को डेवलप करके इन्होंने जाके पता लगाया तो पता चला कि इसमें 2 व्यक्ति का नाम आया है। एक का नाम है सुखलाल, ये कन्नर गांव का रहने वाला है और दूसरा है सावन उर्फ नाना जो कुंजरी जो सेनवा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है। इन दोनों लड़कों को पकड़ के लाने के बाद पता चला है कि इसका जो है एक बहुत ही बड़ा ये अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट इनका गैंग चलता है यहाँ और महाराष्ट्र, यहाँ से चोरी करके महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से चोरी करके यहाँ पे इनका यू नो बिकवाने का ऐसा काम चल रहा है। तो इनसे और पूछताछ में हमारे को 12 मोटरसाइकिल जो यहाँ से अपनी गई 3 निवाली का है, 2 आपका सेंधवा का है, 1 पलसूद का और 1 शायद राजपूत का भी पता चल रहा है और बाकी 5 जो है उसका भी पता साझा अपन करवा रहे हैं। शक्का वो महाराष्ट्र का ही होगा और इसमें 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं वो अभी हमारे गिरफ्त में है और हम आज इसका पीआर लेंगे 5 दिन का और इसके बाद में जो इनके महाराष्ट्र के जो अन्य नाम जो अभी आ रहे हैं तो उसके उसके बारे में भी हम टीम बनाएंगे और वहां पे जाके उसको फिर अंजाम देंगे। क्या मैडम जो आरोपी पकड़े गए जो चोरी के मामले को छोड़कर और किसी अन्य मामले में भी आरोपी है क्या? अभी केवल अभी तो ये है कि हमारे को इनके यहाँ से इतने 12 मोटरसाइकिल जब हुए हैं तो जाहिर है कि यार बहुत ही मतलब शातिर टाइप के लोग हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ नहीं है तो कहीं कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ अपराध कभी रिकॉर्ड होगा एंड वी विल फाइंड इट आउट। अभी दिस इज अ वेरी बिग डिस्कवरी, ये प्रॉपर आई थिंक 7,50,000 का रिकवरी हमारे पास आया है तो ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा कार्रवाई है और मैं अपने एसओ साहब एसडीपीओ साहब और हमारे पूरे जो टीम मेंबर्स जिन्होंने इसमें काम किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और 5,000 रुपीज का इनाम जो है इनको देने का घोषणा भी मैंने किया है
तो अभी इसको और इसमें पता साझी करना पड़ेगी। आई एम प्रीटी श्योर देयर आर मोर क्वेश्चंस अबाउट मैडम, ये लोग वाहन चुराने कहाँ गए थे इस बारे में जानकारी मिल पाई? जैसे मैंने बताया ये यहाँ से चोरी करके इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से चोरी करके यहाँ पे, तो इस तरीके से इनका चलता है क्योंकि इंटर स्टेट है, तो कई कई बार जो है इंटर स्टेट होने की वजह से हाथ से निकल जाता है। और हम हमारे को ज्यादा, क्योंकि अगर बाहर का यहाँ आ रहा है तो वो गाड़ी के लिए हम ज्यादा पूछताछ करते नहीं, राइट? तो इनका यही मोडस ऑपरेंडी रहा है कि ये इंटर स्टेट ऑपरेट करते हैं, सो दैट इनका लेस इनके ऊपर जो है वो रहे। इनकी गिनियों कितने सदस्य हो? अभी दो आए हैं, अभी मशक्का दो तीन और है जो महाराष्ट्र के हैं, और उसको हम और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वी गेट जल्द से जल्द जितने लोग शामिल हैं उन सबको हम पकड़ सकते हैं। क्या उनको रिकवरी हो सकती है? अब मतलब कोशिश जारी है, यू नो इतने कम टाइम में हमने इतने ज्यादा रिकवरी कर दी। आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो और अगर इन लोगों का जो ग्रोह अगर पकड़े जाएंगे तो और होगी और इसका और जो है अपने को ज्ञात होगा। मैडम ये अभी तो पहले चार